हाय दोस्तों, मैं महताब आपका अपने YouTube चैनल My E-Learning Zone पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक महीने पहले लगभग एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस आप गूगल शीट पर कैसे कर सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने लिंक भी शेयर किया था कि आप लोग इसे रिव्यू करें और बताएं कि यह लाइव अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर ने बताया कि ये लाइव अपडेट होता है, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि इसको मैंने कैसे बनाया है उस पर एक पूरी वीडियो बनाई जाए। तो उन सब्सक्राइबर के डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैंने इस एनालिसिस शीट को कैसे ऑटोमेट किया है, वो भी गूगल शीट में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी स्टेप जो है बताने वाला हूं कि इस शीट को मैंने तैयार कैसे किया है। हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा होगा तो मैं बीच में से ड्रॉप करूंगा और इसकी दूसरी पार्ट भी मैं बनाऊंगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहां तक हम लोग इस वीडियो में कवर कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो लंबी होने वाली होगी तो मैं बीच में ही इसे दूसरे पार्ट में कर लूँगा, या अगर मुझे नहीं लगता है कि ये एक पार्ट में कवर होने वाला है तो इसलिए मैं देखूँगा कि इसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को कैसे लेंगे वो मैं बताऊँगा कि डेटा कहाँ से लेना है और किस लिंक के थ्रू लेना है, तो वो आज इसके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप हमारे इस चैनल से फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सबसे एक ब्लैंक जो है हम लोग गूगल शीट ले लेते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि गूगल शीट कैसे ब्लैंक ले सकते हैं। मैंने अपने इजीनेस के लिए जो है मैंने गूगल ड्राइव डाउनलोड किया हुआ अपने पीसी पर, तो यहाँ मैं फोल्डर पे ही डायरेक्ट जा करके ये देखें ऑप्शन चेन एनालिसिस, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारे ब्राउजर में ओपन होता है। ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि कितना ये फास्ट अपलोड होता है। तो बिल्कुल ये ब्लैंक शीट है, और इसमें मैंने अपने रेफरेंस के लिए ये इसे डिलीट कर देता हूं। मैंने अपने रेफरेंस के लिए इसमें कुछ फार्मूला मैंने लगाया हुआ है कि किस फार्मूला को यूज़ करता हूं मैं, इसे मैं अपने इसके लिए रेफरेंस के लिए मैं ये कॉपी कर लिया है कि ताकि मुझे किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आई तो, चूंकि ये फार्मूला बनाने में ही मुझे बहुत टाइम लगा था एक्चुअली, इस डेटा को मतलब पुल करने के बाद भी इसकी जो रॉ फॉर्मेट को टेबुलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ही ये सब फार्मूले का यूज किया था मैंने। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्लैंक शीट ले लेते हैं, इसका रीनेम कर लेते हैं, इसका लाइव डेटा। अब जो है हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाते हैं, क्योंकि मुझे डेटा जो है इस पर मनी कंट्रोल से ही लेना है। मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर मार्केट, ये देखें मार्केट पर क्लिक करेंगे, मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO करके ये है सेगमेंट,
तो आप देखेंगे कि एक दूसरी फिर हम लोग यहां जो है इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ये स्टॉक में आ गया। तो ऑप्शन में आने के बाद यहां कर लें ऑप्शन देन इंडेक्स, उसके बाद हम लोग निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं 31/12 का एक लेता हूं नेक्स्ट एक्सपायरी का, यहां पर कॉल ले लीजिए और ये ऑटोमेटिक जो है कॉल या पुट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो सर्च ऑप्शन करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां एक जो है आपके पास एक यूआरएल ये हुआ, तो इस यूआरएल को आप कॉपी कर लें। अब मैं जो है यहां इस अपने नए शीट पर जो मैंने ब्लैंक शीट ली है मैं उस पर आता हूं, उसके बाद इक्वल टू करता हूं। इक्वल टू करने के बाद इसमें गूगल शीट में एक इंपोर्ट HTML के नाम से एक फॉर्मूला होता है, और यहां जो है मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये जो मैंने वो लिंक URL को जो कॉपी की थी उसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ यहां जो है बंद कर लूंगा। पहले पेस्ट कर लेता हूं इन्वर्ट वो जो URL लिंक है और इसे कॉमा देता हूं और इन्वर्टेड कॉमा में टेबल टेबल नंबर 5। ये टेबल नंबर 5 क्या है कि इसमें जितने भी ये सब आप देख रहे हैं ये टेबुलर फॉर्मेट में होता है, तो उस डेटा का जो है इस डेटा के हेडिंग का जो है टेबल नंबर 5 है, इसलिए मैं पहले 5 कर लेता हूं। तो आप देखेंगे इंटर करने के बाद ये उसकी हेडिंग आ गई। आप इसे अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कर लें, इसकी बाकी फॉर्मेटिंग मैं बताऊंगा कैसे करनी। उसके बाद फिर जो है इसी को कॉपी करते हैं और इस सेल मतलब इन दोनों के बाद के जो आएंगे यहां कंट्रोल वी कर लेते हैं, और यहां जो है टेबल नंबर ये नंबर जो है यहां मैंने 5 की जगह पे 6 करनी है। तो ये मेरा जो है ये पूरी की पूरी ऑप्शन की डेटा यहां आ गई। ये पूरी की अब इसे आप थोड़ा सा बॉर्डर कर लेते हैं, लेकिन अब जो है इसमें इश्यूज क्या है, आप इस पर किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इस पर अगर करना चाहेंगे तो ये वैल्यू एरर देगा, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है और इस पर किसी तरह का कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। यही एक ट्रिक है, इसी को मैंने सबसे पहले जो है इस डेटा को मैंने ये सब जो देख रहे हैं स्टार है पहले इस स्टार को एलिमिनेट किया है, और ये जहां भी देख रहे हैं ये सारे को मैंने एलिमिनेट कर लिया है और इसे एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ये इसको फॉर्मेट अब मैं अपने न्यूमेरिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यहां लिख लेता हूं स्ट्राइक प्राइस। सबसे पहले मैं चेंज करूंगा स्ट्राइक प्राइस ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी।
उसके बाद कॉल्स, कॉल्स के साथ जो भी है हमारे एलटीपी, या आप ओपन इंटरेस्ट पहले लें। ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नेट चेंज एंड एलटीपी, ये हमारी कॉल सेट की हो गई। फिर मैं जो है पुट साइड की भी इसी तरीके से मैं ले लेता। मैंने कॉपी की, इसको मैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। अब जो है मैं स्ट्राइक प्राइस में जो भी है ये हमारा, ये न्यूमरिक वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, इस पर मैंने एक अपने रेफरेंस के लिए जो मैंने बताया था आपको कि फार्मूला लिया है, तो ये इस फार्मूले को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगर इस फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि मैंने अपने रेफरेंस के लिए, तो मैंने कॉपी की और ये जो सेल रेंज है, सेल रेंज हमारा ये है, सॉरी जहां जहां मैंने सेल रेंज लिखा हुआ है उसे एक्चुअली में F6 करना है, क्योंकि हमारा जो है F6 में है ये। स्ट्राइक प्राइस की जो रेंज है F6 में, इस तरीके से आपकी जिसमें भी हो, कुछ इधर आ रहा है इसे मैं देख लेता हूँ। यस, ये जो है हमारा, अब देख लेते हैं यहाँ तक जो है हमारा, जहाँ तक भी हो ये हमारा जो है आपका स्ट्राइक प्राइस न्यूमरिक वैल्यू में आ गया। जैसे हमारा ये स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया, उसी तरीके से हम लोग
ओपन इंटरेस्ट को भी चेंज कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए एक नॉर्म सिंपल फार्मूला होता है, इफ, क्योंकि यहां भी डैश है, इफ डी सिक्स इक्वल टू डैश देन जीरो, इफ नॉट देन डी सिक्स। सो यहां चूंकि डैश है तो इसे जीरो करने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यूमरिक वैल्यू में चेंज हो गया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी इसी तरीके से करते हैं, इफ ये इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में डैश देन जीरो, इफ नॉट देन जो भी वैल्यू है यहां उसे रिटर्न करें, और इसको यहां सजेस्टेड आउट ऑफ फील्ड पे क्लिक करेंगे तो सारा ये हो जाएगा। ये सिर्फ मैं अभी फिलहाल आप लोगों को ये डेटा कन्वर्सन कैसे करेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए वो बता रहा हूं। ठीक, फिर उसी तरीके से वॉल्यूम पर करेंगे, इफ ये इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डैश देन जीरो, इफ नॉट देन रिटर्न द सेम वैल्यू, ऑटो फिल करेंगे और यहां देखेंगे ये मेरा चेंज हो गया। उसके बाद नेट चेंज पर भी वैसे ही हम लोग करेंगे, जल्दी से इसको कर लेता हूं। इसमें इफ ये आप एलटीपी देखेंगे, यहां जैसे एलटीपी में भी पहले स्टार है और बाद में स्टार है, तो सिमिलर जो हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया था इसका स्ट्राइक प्राइस को फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला यहां भी लगाएंगे, लेकिन उसका रेंज जो हम लोग चेंज कर लेते हैं। रेंज जो है हमारा एलटीपी हमारा ए में है, तो ए सिक्स, ये हमारी प्राइस भी चेंज हो गई। एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसकी जो प्राइस है 578735, यस बिल्कुल मेरा सही चेंज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट इसका भी जो है ये मैं पुट साइड का चल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप पेशेंस बनाए रखें। इफ क्योंकि मैं हर एक स्टेप को जैसे जैसे मैंने किया है ना मैं बता देना चाहता हूं, ताकि बाद में किसी तरह की क्वेरीज बीच में जो आती हैं और कमेंट्स जो आते हैं वो ना आए। इफ चेंज इन ओपन इंडेक्स, ये भी मैं पुट साइड का कर रहा हूं, देन वॉल्यूम इफ इक्वल टू डैश देन जीरो,
If not, then change the same value. Net change. ये बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है अभी। और नेट चेंज के लिए जो है सॉरी एलटीपी के लिए हम लोग सिमिलर जो है एक इस कॉपी को इसे इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ डाल देते हैं और सिंपली जो है इसकी रेंज जो है सेल रेंज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ G6 पर है तो इसका जो है चेंज कर लेते हैं G6। अब जो है हमारा बिल्कुल एलटीपी भी जो हमारा पुट साइड का वो रेडी है, यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट हमारा न्यूमरिक वैल्यू में है। तो हम लोग अब इस पर किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। पहले क्या था कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था, जिसके वजह से इस पर हम लोग किसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन जो है नहीं लगा पाते। अब जो है आप इसकी जो है थोड़ी सी और मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो आगे बढ़ने में। ये जो है कॉल साइड की है और ये पुट साइड की, यहां जो आप देख रहे हैं इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। अब ये हमारा जो है डेटा बिल्कुल रेडी है अगले स्टेप के लिए। इसे मैं ये जो है हमारा ये हमारा रॉ डेटा है ये, एंड ये हमारा जो है फाइनल डेटा जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्मेट पे लाया, और जो भी मैं अब कैलकुलेशन करूंगा वो इसी बेस पर करूंगा। अभी आप यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे जैसे आपको चेंज करनी है। अभी मान के चलते हैं ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा रखें या ना रखें इससे ये जो ये पार्ट तो भी काम करेगा, इसलिए मैं यहाँ फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये वैल्यू एरर आएगा क्योंकि नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। ये देख लें अब आप जो है इसको अगर 24 तारीख का भी देखें तो अभी चूंकि डेटा है अवेलेबल तो यहाँ 24 तारीख का डेटा ये अपडेट होगा। क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो आप इसे बीच बीच में आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी फिलहाल जो है मुझे 31 का करना है तो मैं 31 ही रहने देता हूँ। आप इसे बाद में जा करके इसे लिंक करके ये इस पार्ट को कॉन्कटिनेट एक फार्मूला होता है इसको यूज़ करके आप जो है और डायनेमिक भी बना सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन रेंज का डाल दिया अब और यहाँ जो है आप कर सकते हैं। वो मैं आने वाले वीडियो में अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊँगा कि वो कैसे होगा।
तो ये दोस्तों ये डेटा मैंने कर लिया और मैं अब जो है इस वीडियो को, और दोस्तों मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और इसकी फर्दर एनालिसिस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने कैसे इसे जो है दूसरे शीट पर लेकर एनालिसिस पार्ट का जो है दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को इतना पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप अपने से यानी खुद से जो है आप अपना ऑप्शन चेन की एनालिसिस शीट जो है बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।